कोरोना के चलते एक और जहां लोग अपनी लगातार जान गंवा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस जानलेवा महामारी को मजाक बना रखा है। कुछ ऐसा ही मामला उज्जैन में देखने को मिला, जहां पिता के 12वें के कार्यक्रम में बेटे ने भीड़ जमा कर रखी थी। उज्जैन में रोजाना कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने भीड़ पर प्रतिबंध लगा रखा है। कोरोना महामारी के इस भयानक समय पर भी लोग कार्यक्रम करने व भीड़ बढ़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उज्जैन गोला मंडी स्थित माहेश्वरी समाज धर्मशाला में हुआ। मनोज नामक व्यक्ति के पिताजी शांत हुए थे। उनके 12वें का कार्यक्रम में 200 से ऊपर लोग आने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धर्मशाला पहुंचकर कार्यक्रम करने वालों को फटकार लगाई। ये धर्मशाला में मनोज यादव जी के पापा जी शांत हुए थे, जिनकी उम्र लगभग 108 वर्ष थी। उनके नुक्ते के कार्यक्रम में उन्होंने भीड़ लगा रही थी, लगभग 200 से ऊपर लोग इकट्ठे होने की सूचना थी। इनके ऊपर नगर निगम द्वारा हमने कार्रवाई भी करवाई है। वह सारी वैधानिक कार्रवाई करते हुए 188 और 269-270 के तहत FIR पंजीबद्ध की जाएगी और इसको तहसीलदार साहब द्वारा सील किया जाएगा। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में धारा 188 व धारा 269 के तहत कार्रवाई की है। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बैनवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।